समाजवादी पार्टी के नवनिर्वाचित जिला पंचायत सदस्य मोहतरमा अमरीन जहां की ओर से उनके पति एवं प्रतिनिधि युवा अधिवक्ता मुंशाद अली पाशा ने जिला पंचायत अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने के लिए सपा कार्यालय में अपनी दावेदारी पेश की है। 31 मई सोमवार को मुंशाद अली पाशा एडवोकेट ने चक्कर के मिलर मुरादाबाद स्थित सपा कार्यालय पहुंचकर सपा जिलाध्यक्ष जयवीर सिंह यादव एडवोकेट के समक्ष विधिवत आवेदन प्रस्तुत किया। मुंशाद अली एडवोकेट की धर्मपत्नी वार्ड 19 से जिला पंचायत सदस्य चुनी गई है। इस अवसर पर बिलारी के विधायक फहीम इरफान, समाजवादी पार्टी के पूर्व प्रदेश सचिव डीपी यादव एडवोकेट, जिला पंचायत सदस्य मुकेश यादव तथा डॉक्टर रिजवान मंसूरी, पूर्व दर्जा राज्य मंत्री जुगल किशोर वाल्मीकि, पूर्व जिला महासचिव डॉक्टर संजीव यादव, जिला उपाध्यक्ष गजेंद्र सिंह यादव, वरिष्ठ सपा नेता प्रोफेसर तला खान आदि भी उपस्थित रहे। अमरीन पाशा की दावेदारी के बारे में जब उनके पति मुंशाद अली पाशा एडवोकेट से बात की गई तो उन्होंने बताया, जिला अध्यक्ष जयवीर यादव जी से मेरी बात हुई है, उन्होंने मुझे मैंने उनको आवेदन दिया है जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए, तो उन्होंने जो है मेरा आवेदन माननीय राष्ट्रीय प्रदेश अध्यक्ष जी नरेश कुमार पटेल जी को आगे दे दिया है। आश्वस्त किया कि आप प्रत्याशी, आपकी धर्मपत्नी का जो माननीय सदस्य जिला पंचायत चुनी गई है, क्या शुभ नाम है? वार्ड 19। आपने जो आवेदन किया है तो किस आधार पर किया है, मतलब आपके पास कितने जिला पंचायत सदस्यों का समर्थन है? पार्टी अगर मुझे प्रत्याशी बनाती है तो पार्टी के 11 जिला पंचायत सदस्य हैं, मैं उस आधार पर चुनाव लूँगा। कुछ और सदस्य भी आपके संपर्क में हैं या हो आपके साथ आ सकते हैं? बिल्कुल, जो कुछ और सदस्य हैं संपर्क में हैं और आगे जो भी होगा बताएंगे, अभी उनका नाम लिखेंगे। अच्छा, बहुत विदित हो कि जिला पंचायत मुरादाबाद का अध्यक्ष पद इस बार महिला के लिए आरक्षित किया गया है।